चलो स्नेल्स लॉ शुरू करते हैं। स्नेल्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखने जा रहा हूँ इक्वेशन स्नेल का, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम कहोगे ये इक्वेशन तो मैंने बहुत मतलब पहली बार देखा है ना, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। और ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी मीडियम में लाइट है, ठीक है, जिस मीडियम में भी लाइट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करो उस मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। लाइट रे नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बना रही है उसका जो साइन के साथ जो प्रोडक्ट होगा हर मीडियम का कॉन्स्टेंट होगा। समझाया नहीं समझाया? म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने का क्या मतलब है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन थीटा में थीटा क्या है? थीटा है किसी भी मीडियम में जो लाइट होती है वो लाइट रे नॉर्मल के साथ उस मीडियम के नॉर्मल के साथ जितना एंगल भी बना रही है उसके साइन का प्रोडक्ट जो होता है हर मीडियम का कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल, ये लाइट रे है, ये दो मीडियम है, म्यू वन है म्यू टू है, ठीक है। लाइट रे आई यहां पर, ये नॉर्मल है दोनों मीडियम का और ये प्लेन सरफेस है, प्लेन इंटरफेस है दोनों मीडियम का जो सरफेस है, और ये कर्व सरफेस पे भी एप्लीकेबल है, चाहे वो कनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, सब पे एप्लीकेबल है। ये लाइट रे है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये एंगल इंसिडेंस है, ये डेंसिटी इसकी ज्यादा है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें भी यही होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो स्नेल्स लॉ दोनों सरफेस पे एप्लीकेबल है, चाहे कर्व सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो। तो आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि जिस मीडियम में लाइट है, जैसे इस मीडियम की लाइट हम ले रहे हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे म्यू वन एन टू, इसका साइन लेंगे और साइन इस लाइट रे का इस मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना एंगल ये बना रही है, आई एंगल बना रही है, तो साइन आई इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम में लाइट गई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू टू, तो म्यू टू लिखे हो गए, इन टू इस मीडियम का एंगल कितना है लाइट का नॉर्मल के साथ, आर है, तो साइन आर, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। सिमिलरली इसमें भी ये होगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब इसी को बुक में लिखा जाता है कैसे, इस म्यू वन को इधर भेज दो, साइन आर को इधर भेज दो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसी म्यू टू अपॉन म्यू वन को म्यू टू वन भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब भी स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखना होता है हम लोग ये लिख देते हैं म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर तीन मीडियम है, दो मीडियम नहीं है, मान लो तीन मीडियम है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तीन मीडियम है, एक दो और तीन, ठीक है, ये एंगल आई है, ये आर वन है, ये आर वन है, फिर ये आर टू है, ठीक है। लाइट रे इधर से दो मीडियम से ज़्यादा अगर, या दो मीडियम है, तीन मीडियम है, चार मीडियम है, कितना भी मीडियम है, ठीक है, तो सब में क्या करेंगे आप, यही लॉ अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई साइन ई कर दो, इसको इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस कर दो। तो स्नेल्स लॉ अगर दो से ज़्यादा मीडियम है तो भी आप ये स्नेल्स लॉ इस तरह अप्लाई करोगे, हो जाएगा ना, इसी तरह, मतलब दो से ज़्यादा मीडियम भी हैं तो भी आपको स्नेल्स लॉ इसी तरह अप्लाई करना जिस तरह मैंने बताया, इससे गलती बिल्कुल नहीं होगी। किसी और तरह से करोगे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस तरह से करोगे गलती कभी नहीं होगी, याद रहेगा।